अतिव्याप्ति वो कहलाता है जो विपक्ष में भी जाता है। जैसे गाय सींग वाली होती है, जो सींग वाली होती है वह एक गाय कहलाती है। यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष माना जाएगा, क्योंकि सींग वाला हिरण भी होता है। हमने लक्षण क्या बनाया, गाय सींग वाली जो होती है वह गाय होती है, तो सींग वाला तो खरगोश भी ओ हिरण भी होता है। तो ये अतिव्याप्ति विपक्ष में चला गया। अव्याप्ति, अव्याप्ति दोष पाया जाता है जो अपने पक्ष में भी पूरा न पाया जाए, अपने पक्ष में ही पूरा न पाया जाए, उसको बोलते अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष। जैसे गाय में ही लगा लें, ऐसा लक्षण बना लिया कि जो है गाय है, जो गाय सींग वाली होती है, तो बिना सींग वाली भी गाय होती है कि नहीं, जिनके सींग ही नहीं होते, सामान्य गाय होती है, तो अपने पूरे गाय में पहचान नहीं बता पा रहा है। गाय वही है जो दूध देती हो, जब वो दूध नहीं देती तब भी तो वो गाय है, उस समय भी गाय कहते हैं। तो ये कहलाता है अव्याप्ति दोष, अपने पक्ष में ही पूरा न पाए जाए, असंभव दोष, पाया ही नहीं जाए। अग्नि ठंडी होती है जैसे जल, अग्नि ठंडी होती है जैसे जल, ये असंभव दोष कहलाता है। ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा नहीं और हो नहीं रहा। तो इस प्रकार के अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष, ये न्याय शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है।